नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। हमने देखा है कि जब से कोरोना वायरस का संक्रमण के कारण लॉकडाउन देश में स्टार्ट हुआ है, तब से पूरे देश में और स्पेसिफिकली हिंदी बेल्ट की जब हम बात करें तो एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया गया है। कई सरकारें असक्षम रही हैं अपने एक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं कानपुर से सीपीआईएम की पॉलिट ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली। सुभाषिनी, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक स्पेसिफिक इंसिडेंट के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक वकील को पीटा था और फिर उनसे बाद में माफी मांगी कि हमें लगा आप तो मुसलमान हैं इसलिए हमने मार दिया। तो क्या ये पूरे हिंदी बेल्ट में जो कुछ हो रहा है उसको दर्शाता है? देखिए, हम लोगों को समझना होगा कि ये जो सरकार है दिल्ली में और इसी पार्टी की जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह, ये अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी त्रुटियां हैं, उनसे बचने के लिए हमेशा किसी न किसी मुद्दे को उठा करके सांप्रदायिकीकरण का सहारा लेती हैं और अपनी कमजोरियों को, अपनी असफलताओं को पूरी तरह से इस सांप्रदायिकता के पर्दे के पीछे छुपाने का काम कर रही हैं। ये हमने कोरोना वायरस के पहले भी देखा, और कोरोना वायरस जब हमारे देश में आया तो अगर हम सोचे कि आखिर केरला में ये जनवरी के अंत में आ गया था, लेकिन पूरा फरवरी का महीना चला गया, हमारी केंद्र की सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया और जो राज्य सरकारें थी उनको भी अवगत नहीं कराया कि उनको क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से की तैयारी करनी चाहिए। मार्च का भी 3/4 महीना चला गया, आखिर ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि केंद्र सरकार की जो प्राथमिकताएं थी वो इस महामारी से निपटने की नहीं, बल्कि अपने तमाम कार्यक्रमों को और अपने तमाम आयोजनों को सफलता पूर्वक अंजाम देने का की उनकी प्राथमिकता थी। जैसे कि उनको ट्रंप साहब का स्वागत अहमदाबाद में करना था, उनको दिल्ली के चुनाव में हस्तक्षेप करना था, उस चुनाव के नतीजों के बाद उनको जिन लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया उनसे बदला लेना था, और फिर उनको जो मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार थी उसको पलटना था। आप सोचिए कि पूरी दुनिया में हवाई जहाजों की के प्रवेश पर रोक लगाया जा रहा था, हवाई अड्डों पर बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही थी, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर हवाई जहाज बंद हो जाते, अड्डे बंद हो जाते, तो जो विधायक मध्य प्रदेश में पार्टी छोड़ करके भाजपा में आ रहे थे उनको हवाई जहाज में बिठा करके बैंगलोर में कैसे पहुंचाया जाता और फिर सरकार बनाने के लिए उनको क्यों वापस लाया जाता? और ये बात गलत नहीं है, इसका सबूत ये है कि 20 तारीख को भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई और उसके तुरंत बाद पहले वो थाली बजाओ, दिया जलाओ और फिर एकदम से लॉकडाउन किया गया, और ऐसा लगा कि अब एकदम से सरकार को पता चला है कि हाँ एक महामारी है जिससे हमको निपटना है। लेकिन ये जो समय की बर्बादी, 1.5-2 महीने की समय की बर्बादी हुई, उसका बहुत बहुत बड़ा खामियाजा भारत की जनता को भरना पड़ा है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इसी कमजोरी, इसी असफलता को पूरी तरह से पर्दे के पीछे छिपाने के लिए सांप्रदायिकीकरण इस महामारी का किया गया, और इस तरह से जो तबलीगी जमात ने एक आयोजन किया था दिल्ली में, उस इस तरह से उसके बारे में प्रचार और प्रसार किया गया जैसे उस जमात की वजह से ही हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस का प्रवेश हुआ है और उसको फैलाया गया है। लेकिन ये सवाल किसी ने नहीं बताया, पूछा कि आखिर इस जमात की मीटिंग को अनुमति किसने दी? ये तो केंद्र सरकार ने ही दी, क्योंकि उनके ही अंतर्गत दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था आती है, उन्होंने इसका इस आयोजन की अनुमति दी। लोग विदेश से आए, कोई रोक टोक नहीं, कोई उनकी चेकिंग नहीं, और वो वहां पर निजामुद्दीन थाने के बिल्कुल बगल में एक बड़ी बिल्डिंग में बने रहे, उनकी मीटिंग चलती रही, वो कहते रहे कि अब हम यहाँ से लोगों को निकालना चाहते हैं, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान
नहीं दिया गया। जब लॉकडाउन हो गया तो एकदम से ये बात सारे हिंदुस्तान को बतानी शुरू कर दी सरकारों ने कि ये जो जमाती लोग हैं इन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है कि इस बीमारी को फैलाया है। और हमने देखा कि जो हमारा मीडिया है उसने भी सुबह से शाम तक इस बीमारी का एक तरह से इल्जाम जमातियों के ऊपर लगाया और एक नफरत का माहौल हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर और खासतौर से उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और इस तरह के तमाम प्रदेशों में मजबूती के साथ बनाया गया और इनको अपराधी घोषित किया गया। किसी ने कहा ये तो तालिबानी है, किसी ने कहा इनको गोली से मार दो, किसी ने कहा कि इनको जेल भेजो, इनको दंडित करो। और इस तरह से इनको अपराधी जब लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया अपराधी के रूप में, तो फिर जो उनके साथ उनके समुदाय के तमाम सदस्य हैं उनके साथ दुर्व्यवहार पूरे देश के कई कई हिस्सों में हम लोगों को देखने को मिला। इसमें हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसा नहीं कि मामूली लोग ऐसा कर रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश के दो विधायक हैं जिन्होंने साफ साफ कैमरा पे बोला, सब्जी वालों को धमकी देते हुए, उनके साथ मारपीट करते हुए उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि इनको आने से रोका जाए। बाजारों में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। पंजाब के अंदर जो गुर्जर लोग दूध पहुंचाते हैं उनके साथ मारपीट हुई और उनको भागना पड़ा। यानी ये जो दुष्प्रचार हुआ इससे यही नहीं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के ऊपर हमले हुए और उनको अपराधी घोषित किया गया, उनके साथ मतलब उनके खिलाफ नफरत पैदा की गई, बल्कि सरकार को अपनी जो तमाम कमजोरियां रही थी, जो त्रुटियां रही थी, उसके ऊपर भी एक पर्दा डालने का एक बेहतरीन मौका मिला। और लोगों ने ये नहीं पूछा कि भाई पहली फरवरी से आप क्या कर रहे थे। अब जो लॉकडाउन हुआ है अगर हम उस पर आते हैं तो आप मतलब उसके बारे में तो बहुत कुछ कहना जरूरी है। वही सुभाष जी, वही मेरा दूसरा सवाल होने वाला था कि अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे चलते नजर आ रहे हैं। अभी हमारा न्यूज क्लिक का ये ग्राउंड रिपोर्ट है कि आगरा से जो रास्ता लखनऊ की तरफ जा रहा है उसमें हजारों की संख्या में मजदूर चल रहे हैं। इन मजदूरों को लेके बड़ी राजनीति भी हुई, कई लोगों ने कहा हम बसेस का इंतजाम करेंगे, कई तरीके की बातें हुई, पर क्या सरकार ने और स्पेसिफिकली यूपी सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं इन मजदूरों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि लॉकडाउन जिस तरह से घोषित किया गया, 4 घंटे का समय दिया गया, ना राज्य सरकारों की सलाह ली गई, ना किसी को बताया गया कि ऐसा होने वाला है। और ये अपने आप में इतनी बड़ी गलती थी कि अभी तक इस गलती का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं और अगले मैं समझती हूँ साल भर तक हम लोग भुगतते ही रहेंगे। इस गलती का परिणाम क्या हुआ? एक तो एकदम से सबका काम बंद हो गया। हम लोग सब जानते हैं कि कई करोड़ ऐसे मजदूर हैं जो अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। जब उनका काम बंद हो गया तो आखिर उनके लिए क्या इंतजाम किया गया? सरकार ने और केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हम आपको खिलाएंगे, हम आपका वेतन आपको दिलाएंगे, हम मकान मालिकों से कहेंगे कि वो आपसे किराया नहीं वसूले, लेकिन ये बातें सिर्फ कहने तक रह गई, ये बिल्कुल भी इनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। और उसका नतीजा क्या हुआ? अब बहुत से लोग कह रहे हैं इसमें राज्य सरकारों की भी बहुत गलती है। हम कहेंगे हाँ, ये हो सकता है कि राज्य सरकारों की भी गलती है, लेकिन प्रमुख गलती तो इसमें केंद्र सरकार की ही है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो माइग्रेंट्स के लिए जो कानून बनाया गया है वो एक केंद्रीय कानून है। उनका पंजीकरण करना, उनके लिए जो न्यूनतम तमाम कानून है या नियम है उनको लागू करना, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उन्होंने इसको छोड़ दिया राज्यों के ऊपर। अब केरला एक ऐसा राज्य है जिसने पहली जनवरी से ही इस महामारी के लिए इंतजाम कर रखा था, मरीजों के लिए भी, और लॉकडाउन में जो वहां पर 40 लाख के करीब दूसरे राज्यों के आए हुए मजदूर हैं जिनको वो अपने मेहमान कहते हैं,
उनकी देखभाल के लिए भी उन्होंने पूरा इंतजाम किया, उन्होंने एक पैकेज दिया अपने प्रदेश के गरीब लोगों के लिए और अपने इन मेहमानों के लिए। उनके लिए किचन्स की सुविधा बनाई, उनके लिए कैंपों में टेलीविजन तक रखा, कैरम बोर्ड रखे और लगातार उनके साथ लोग मिलने आते थे। जब ऐसा लगा कि उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है या उनके पसंद का खाना नहीं मिल रहा है तो अलग अलग इलाकों का खाना बनाया गया, चपातियां बनाई गई उत्तर भारत के लोगों के लिए और उनको वो सारा खाना उपलब्ध किया गया। और लगातार केरला की सरकार और दूसरी सरकारें भी यही कहती रही कि आप इन हमारे यहाँ के मजदूरों को लाने के लिए और हमारे यहाँ जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं उनको उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए आप प्रबंध कीजिए, क्योंकि ये प्रबंध राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। एक तो लॉकडाउन में उनको अनुमति नहीं थी और दूसरा रेल वो नहीं चला सकती हैं, इंटर स्टेट बस सर्विस भी वो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं चला सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने मतलब अभी मैं समझती हूँ 20 दिन पहले तक ट्रेन चलाने से इनकार किया और इसका नतीजा क्या हुआ कि जब मजदूरों के अंदर सिर्फ बेचैनी ही नहीं मतलब एक हताशा पैदा हुई और उनको वेतन भी नहीं मिल रहा था, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में जाके कह दिया कि वेतन हम जबरदस्ती नहीं दिलवा सकते हैं। आप सोचिए, एक सरकार कह रही है हम नहीं दिलवाएंगे वेतन, उनके मकान मालिक उनको प्रभावित करने लगे कि आप जाइए क्योंकि हम आपसे किराया वसूलेंगे, और उनको जो खाने का वादा किया गया था, आज केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ा धोखा किया है इस देश की जनता के साथ वो अनाज के मामले में किया है। उसके गोदामों में अनाज पटा पड़ा हुआ है लेकिन वो उस अनाज को लोगों तक पहुंचाने से इनकार कर रहे हैं। हजारों लोगों का राशन कार्ड कैंसिल किया गया, हम कहेंगे लाखों लोगों का, कई कई लोग जहां पर हैं वहां का आधार कार्ड उनके पास नहीं है, जहां से वो आए हैं वहां का आधार कार्ड है। तो ये सारी परेशानियों को एक बिल्कुल मतलब लाल फीता शाही के तहत इस्तेमाल किया गया लोगों को राशन से वंचित करने के लिए, और एक तरह से उनके भूख की मजाक उड़ाते हुए सरकार ने कहा कि हमारे पास तो इतना धान है इतना चावल है लोग खाने को तैयार नहीं है इसलिए हम इसका सैनिटाइजर बनाएंगे, यानी लोग भूखों मर रहे हैं और केंद्र सरकार इस तरह की बात कर रही है। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने फिर अपने आप को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और ये सोच करके कि अगर हमको मरना ही है तो हम अपने घर में जाके मरेंगे, ट्रेन चलाने से पहले ही उन्होंने निकलना शुरू किया और पैदल साइकिल पे ठेले के ऊपर लद करके वो अपने गांव की तरफ चलने लगे। और हम लोग जानते हैं कि एक तो ये चलना ही एक तरह से एक अमानवीय कार्य था उनके लिए जो थोपा गया था, लेकिन कहीं उनको पुलिस मार रही है, कहीं उनको धक्के दे करके हटाया जा रहा है, कहीं उनका जबरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है, हर तरह से उनको परेशान किया गया, हर तरह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया जैसे वो इस देश के नागरिक न हो बल्कि कुछ घुसपैठिए आतंकवादी हो जिनसे सरकार बदला ले रही थी। और आज भी हम देखते हैं जो कुछ सरकार कर रही है वो बहुत देर में कर रही है। जब ट्रेन चलाने का काम शुरू हुआ तो एक अजीब तस्वीर हमारे सामने है कि एक ट्रेन चल रही है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और 1200 लोग ही ट्रेन में बैठाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उस पटरी से समानांतर जो सड़क चल रही है जो रास्ता चल रहा है उसके ऊपर ट्रकों में लदके ट्रालियों में लदके किसी तरह के वाहन पर लदके प्राइवेट बसों पर लदके हजारों हजार लोग एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, माँ के ऊपर बाप, बाप के ऊपर बच्चा, इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के मजबूरी में धज्जियां उड़ा करके अपने घरों की तरफ जाते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और इसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है कि जहां जहां अब हमारे प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं ऐसा नहीं है लोग उनके ऊपर बदनाम कर रहे हैं कि जहां से जहां पर वो थे वहां से वो बीमारी लेकर के आ रहे हैं,
जिन हालात में उनको सफर तय करना पड़ा है वो हालात ऐसे हैं कि अगर उनको बीमारी नहीं थी तो निश्चित रूप से उनको बीमार पड़ने का की पूरी संभावना उन हालात से पैदा हुई है जिन जिन जिन, जिन मजबूरी में जिनको उन्हें अपना करके अपने घर तक पहुंचने का काम करना पड़ा है। तो ये जो आज हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये लॉकडाउन हुआ क्यों था, ये कहा गया था लॉकडाउन किया जा रहा है ताकि इस बीमारी से निपटा जाए, जो केसेस हैं उनको टेस्ट करके उनका इलाज किया जाए और आगे नए मरीजों के लिए अपना पूरा स्वास्थ्य का ढांचा तैयार किया जाए। लेकिन क्या ये काम हुआ है? जहां स्वास्थ्य का ढांचा मौजूद था जैसे केरला, वहां उसको और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। बाकी राज्यों की तस्वीर बिल्कुल अलग अलग है, जहां पर बिल्कुल ढांचा पहले से ही बहुत कमजोर था, वहां कितनी भी कोशिश उन्होंने की हो तो उस ढांचे को इस हद तक मजबूत नहीं कर पाए हैं कि वो इस जबरदस्त ये जो सुनामी आ रही है लोगों की उसके साथ निपटे और उसके साथ जो कुछ उनका उनको करना जरूरी है उन कार्यों को करें। इसीलिए हम देख रहे हैं कि दरअसल अब स्पाइक हो रहा है। हमारे ये जो नीति आयोग के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था लॉकडाउन के बाद 16 मई तक पूरा दब जाएगा, जो इसका ग्राफ है वो दब जाएगा, केसेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये कितने लायक हैं उस पद के, वो इस बात से प्रमाणित हुआ है कि स्पाइक उसके बाद अब आसमान की तरफ जा रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना चढ़ रहा है कि लोग अब डर रहे हैं कि आगे क्या होगा। और वही नीति आयोग के चेयरमैन अब कहते हैं लॉकडाउन में हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, हमको प्लानिंग करनी चाहिए थी। अरे प्लानिंग ही तो खत्म हो गई है, योजना आयोग को ही तो खत्म करके ये नीति आयोग बनाई गई है, न योजना है और न नीति है, और उसका भुगतान हमारे देश के करोड़ों करोड़ों गरीब लोग कर रहे हैं। वाशनी, एक सवाल ये भी उठता है कि आपने हिंदी बेल्ट की बात की, कल हमने देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से मंत्रिमंडल बैठ के बाबा रामदेव के साथ चर्चा कर रहा है कि इस बीमारी से कैसे ये देखिए ये अवैज्ञानिक तरीकों को अपना करके और उनका प्रचार करके वो गरीब लोगों को अंधविश्वास में बिल्कुल डुबो करके उनसे सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गंगा में जाके नहाइए आप ठीक हो जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मतलब गौमूत्र पीजिए और ये क्या कहते हैं गोबर खाइए। हम पूछना चाहते हैं कितने मंत्री ये कर रहे हैं, कितने मंत्री जाकर के गंगा में नहा रहे हैं, कितने मंत्रियों के बच्चे गौमूत्र और गोबर का सेवन कर रहे हैं, कितने मंत्रियों के परिवार के लोग, कितने हमारे बड़े बाबू, कितने हमारे देश के रईस रामदेव के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। अगर उनको लगता है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो पूंजीपति के घर के हो, चाहे वो नेता हो, अगर उनको लगता है कि उनको बीमारी है तो वो फौरन टेलीफोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक ऐसे अस्पताल में भेजिए जहां आईसीयू भी हो, जहां वेंटिलेटर भी हो और जहां मेरा पूरा इलाज हो सके। तो इलाज चूंकि वो कर नहीं पा रहे लोगों का, इसलिए इस तरह की अवैज्ञानिक बातें करके अंधविश्वास का प्रचार करके वो लोगों को और भी ज्यादा धोखा देने का काम कर रहे हैं। ये इतना निंदनीय है कि जितनी निंदा की जाए वो कम है। सुभाषनी, एक चीज हमें और देखने को मिली है कि जैसे ही इस महामारी का प्रभाव देश में बढ़ा है, एक सोशल स्टिग्मा भी इसके अराउंड बढ़ा है, लोग एक दूसरे के को लेके बड़े चिंतित हो गए हैं। इसका पूरा प्रभाव किस पे पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो अल्पसंख्यक समुदाय पे हमले शुरू हो गए हैं, पर क्या दूसरे समाज के दूसरे तबकों पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारे देश में एक इस महामारी से बहुत पुरानी महामारी है जिसको हम छुआछूत कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बीमारी से निपटने के लिए हमको सबको एक हो जाना चाहिए, हमको भाईचारे को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमको दिखाई नहीं देता है। अगर हम देखें तो हम जिसको कहते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स, के हमारे देश के 4 फ्रंट लाइन वॉरियर्स माने गए हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारी।
लेकिन इनके बीच में हम कितना भेद कर रहे हैं। हम लोग सब मांग कर रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेस को पीपीई किट मिलना चाहिए, उनको हर तरह से सुरक्षित रखा जाना जरूरी है, उनको मास्क मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि इस किट को पहन करके भी उनको कितनी तकलीफ होती है, महिलाओं को कितनी परेशानी होती है, सब हम देख रहे हैं। लेकिन क्या सफाई कर्मचारियों को किट मिल रहा है? जो सफाई कर्मचारी रोज भेजा जा रहा है रेड जोन के अंदर, जो सफाई कर्मचारी भेजा जा रहा है गटर और नालियों की सफाई करने के लिए, जो मुंबई के अंदर हमने देखा कि जो लोग दूसरों के घरों में काम करती थी औरतें, उनको अब गटर की सफाई करने का काम करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है। लेकिन हमने देखा उनके हाथ में दस्ताने नहीं है, उनके पास कोई सुरक्षा किट नहीं है, उनके पास ढंग का मास्क भी नहीं है। तो ये जो भेदभाव है ये यहीं से आता है कि हमारे देश में कुछ लोगों के बारे में हमारी ये सोच है कि ये ना बराबरी के शिकार है और इसलिए हम ना बराबरी का व्यवहार भी उनके साथ करते हैं। दिल्ली में जो शुरू शुरू में मौतें हुई उसमें महिला सफाई कर्मचारी है, और ऐसी कर्मचारी जिन्होंने कहा हॉस्पिटल के अंदर कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमको बस कहा गया कि जाओ काम करो, हम तो जानते ही नहीं ग्लव क्या होता है, हम तो जानते ही नहीं कि सुरक्षा किट क्या होती है। तो ये हमारे पूरे सोच की तस्वीर को हमारे सामने रखता है। हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक सफाई कर्मचारी सैनिटाइजेशन करने गया था, और जब सैनिटाइजर के कुछ बूंद उच्च जाति के किसी व्यक्ति के पांव के ऊपर पड़े तो उस आदमी ने अपने लोगों के साथ मिलकर के उसका नोजल, यानी उस सैनिटाइजर का नोजल उस सफाई कर्मचारी के मुंह के अंदर घुसेड़ के उसको मजबूर किया कि वो उसको पिए, और उसके बाद वो मर गया। हमने यहां तक देखा है कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं, हमने ये बात बस्ती में देखी, हमने कल ये बात नैनीताल में देखी कि उन्होंने जब देखा कि कोई दलित वर्ग का खाना पका रहा है तो उन्होंने मेजों को पलटा दिया, उन्होंने गालियां दी और कहा कि हम इस तरह का खाना, इस तरह के व्यक्ति के हाथ का खाना नहीं खा सकते हैं। तो ये जो दलितों के प्रति दुर्व्यवहार है, ये जो उनके साथ होने वाली हिंसा है, ये बिल्कुल कम नहीं हुई है। तमिलनाडु से रोज हमको खबर मिल रही है कि अंतर जातीय शादियों को लेकर के हत्याएं अब भी वैसे ही हो रही है जैसे लॉकडाउन के पहले हो रही थी। मतलब लोग एक तो हत्या करने में नहीं डर रहे हैं, दूसरा इस बीमारी से भी नहीं डर रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख के जा करके हत्या कर रहे हैं अंतर जातीय विवाह करने वाले लोगों के साथ। और इन केसों में क्या हो रहा है, अगर हम जाके देखें तो हर जगह पुलिस का यही जवाब है, हम जांच कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम अपराधी को ढूंढ रहे हैं। मतलब कोई तत्परता नहीं है कि इस तरह के जघन्य अमानवीय अपराधों को कम से कम एक ऐसे समय में जब भाईचारे की सबसे ज्यादा जरूरत है इनको रोका जाए, और सख्ती के साथ जात पात के आधार पर अपराध करने वालों के साथ पेश आए हमारा प्रशासन, इसकी हमको कहीं भी तत्परता नहीं दिखाई दे रही है। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी पता चला कि 6 महीने एस्मा लगा दिया गया है, कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं हो सकती हैं, ट्रेड यूनियंस के काम नहीं हो सकते हैं वहां पे, और देश के दूसरे राज्यों में भी श्रम कानूनों के साथ लगातार खिलवाड़ चल रहा है, तो ये किस स्थिति को दर्शाते हैं? ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारी सरकार जो केंद्र में है और हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में है, वो समझते हैं कि ये जो दौर है ये उनके लिए एक मौका है लोगों के अधिकारों का हनन करने के लिए, इस तरह के जन विरोधी कानूनों को बनाने के लिए, और तमाम मतलब गैर जनतांत्रिक कार्यों को करने के लिए। आप केंद्र सरकार को देखिए, इसी दौर में उन्होंने जामिया के कई स्टूडेंट्स को, जिसमें एक गर्भवती महिला स्टूडेंट भी है, उनको बहुत सख्त दफाओं में अरेस्ट किया और उनको जेल भेज दिया है। लोग कहते भाई इन्होंने अपराध किया होगा, तो जिन्होंने जेएनयू में अपराध किया, जिन्होंने जामिया के अंदर घुस करके लोगों को पीटा, एक लड़के को अंधा बना दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जिनको हम लोगों ने टीवी पर देखा जेएनयू में टीचरों को मारते हुए, बच्चों को मारते हुए,
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, एक तरफा एक समुदाय के बच्चों के खिलाफ कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है। यही नहीं, जो हमारे देश में दूसरों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो हमारे देश में समाज सुधार की लड़ाई लड़ते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा जैसे लोग, उनको गिरफ्तार किया जाता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म दिवस के दिन और उनको जेल भेजा जाता है। ये दोनों 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं और इनको ऐसे जेलों में रखा गया है जहां पर कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ये कैसी सरकार है, कितनी निर्मम सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल में कानून में कई बदलाव किए हैं, जो यहाँ पर एपिडेमिक्स के साथ डील करने का कानून है उसमें उन्होंने ऐसी और धाराएं जोड़ दी हैं कि जो लोग जानबूझ करके इस बीमारी को फैला रहे हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको 7 साल तक कैद किया जा सकता है। और अगर उनकी इस गतिविधि से अगर कोई दूसरा मर जाता है तो उनको उम्र कैद दी जा सकती है। और कौन तय करेगा कि वो इस अपराध के अपराधी दोषी हैं, सरकार तय करेगी। मतलब कानून बनाने वाले भी वो, कानून लागू करने वाले भी वो और सजा देने वाले भी लोग वो। हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह के कानून के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के 300 से ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रम कानूनों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने 8 घंटे के कानून को बदल करके बहुत ही मतलब चोर दरवाजे के रास्ते से 12 घंटे का कानून बना दिया। और उसमें ये नहीं काम कानून बदल रहे, उन्होंने कहा कि अब 12 घंटे से ज्यादा काम कराना गैर कानूनी होगा और जो 4 घंटे काम करवाए जाएंगे 8 घंटे के बाद उसमें सिंगल वेज ही दी जाएगी। तो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से 12 घंटे का कानून बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और अध्यादेश जारी किया कि 3-4 श्रम कानूनों को छोड़ करके बाकी तमाम श्रम कानूनों को 3 साल तक निष्प्रभावी बना दिया जाता है। जब इस पर हल्ला मचा तो उन्होंने उसमें फिर फेरबदल की और उन्होंने कहा कि ये नए उद्योगों में लागू होगा और पुराने उद्योग में जो नए लोग भर्ती किए जा रहे हैं उन पर लागू होगा। लेकिन कुछ लोग हाईकोर्ट गए काम के घंटों के मामले में और हाईकोर्ट ने काफी मतलब एक सख्त रवैया अपनाया और उनको ज्यादा समय नहीं दिया। सरकार भी समझ गई कि क्या संदेश आ रहा था और उन्होंने वो 12 घंटे वाले कानून को वापस ले लिया। और ये जो सारे कानूनों को खत्म करने की बात थी तो जो कुछ अभी भी समझदार लोग अलग अलग मंत्रालयों में बैठे हैं, सुना जा रहा है कि उन्होंने भी राय दी, केंद्र से भी कुछ लोगों ने राय दी कि ये जो कानून है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है और इसको आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति से वो भी शायद वापस ले लिया गया है। लेकिन अभी भी मंशा उनकी है, इन सरकारों की बिल्कुल प्रबल मंशा है कि श्रमिकों के तमाम 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 अधिकारों को उनसे छीना जाए और उनको बंधुआ मजदूर बना दिया जाए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है 50 लाख लोगों को काम देंगे लेकिन बंधुआ मजदूर बना करके काम देंगे। यहाँ ये भी सोचा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों के मजदूरों को मनरेगा का मजदूर समझा जाएगा और केवल उतना हिस्सा वेतन का जो मनरेगा के वेतन से ज्यादा होगा और जो उसको वहां प्राप्त हो रहा है उतना ही हिस्सा मालिक को देना होगा। तो कि एक तो कोई मालिक देगा नहीं और दूसरी बात ये क्या बात हुई कि प्राइवेट कंपनियों को सरकार सब्सिडाइज करेगी और प्राइवेट कंपनियों में मजदूरों को मजबूर करेगी कि वो बिल्कुल बंधुआ बनकर के काम करे। आखिर ये जो कोरोना वायरस का पूरा हमला है ये क्या केवल गरीबों पर होगा, महिलाओं पर होगा, मजदूरों पर होगा, दलितों पर होगा, अल्पसंख्यकों पर होगा? क्या इसका पूरा इस्तेमाल इनको बहुत ज्यादा पीछे धकेलने के लिए ही होगा? ये आज बड़ा सवाल है जिस पर हम लोगों को सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि करना भी है। अभी इन श्रम कानूनों के खिलाफ देश भर में आवाज उठी, मजदूर संगठनों की भी आवाज उठी और निश्चित रूप से सरकार को कुछ थोड़ा बहुत
सोचना पड़ा। इसी तरह से ये जो लोग आ रहे हैं अपने घरों की तरफ, इनके मतलब हालत को देख करके, इनकी तड़प को समझ करके, इनकी पीड़ा को समझ करके पूरे देश में हल्ला मच रहा है, विदेशों में भी बदनामी हो रही है, इसलिए अब ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पहले ट्रेनों में कहा गया टिकट का पैसा लेंगे, फिर जब कुछ लोगों ने कोशिश की कि टिकट का पैसा दें, कहा गया नहीं आप नहीं दे सकते, फिर देना शुरू हुआ। अब मेरे ख्याल से कर्नाटका में जो हाईकोर्ट है उसने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि कर्नाटका की सरकार को उन तमाम लोगों का टिकट का पैसा देना होगा जो कर्नाटका से वापस अपने घर जाएंगे। तो कोर्ट्स की बहुत जरूरत है इस समय कि उनका हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन हमको काफी दुखी किया है कोर्ट्स ने, खास तौर से जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हम लोग उम्मीद करते थे, और कई बार हमारे इतिहास में जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय आया है पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़ा होकर के, इस समय उसको हम इस तरह का काम करते हुए नहीं देख रहे हैं। आरक्षण के कई मामलों में काफी निराशाजनक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं, इससे जो दलित संगठन है, दलित हैं और जो जनवादी लोग हमारे देश में, उनको काफी तकलीफ हुई है। और जहां तक माइग्रेंट्स की बात है तो उनकी पीड़ा को तो देखने के लिए भी न्यायालय में बैठे लोग ऐसा लगता है कि तैयार नहीं है, ये बहुत दुखद बात है। अब शायद कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में उन्होंने कुछ आदेश दिए हैं कि उनका पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन सब कुछ बहुत देर में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए भूखे लोगों को बिना वेतन के लोगों के हाथ में पैसा दो, उनके पेट में राशन पहुंचाओ, जब उनके हाथ में पैसा आएगा, जब वो भरपेट सोएंगे तो वो काम भी कर सकेंगे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से मतलब हरकत में लाने में यही काम आएगा। ये पैकेज और फिर पैकेज को समझने में जो लोग बता रहे हैं कि ये पैकेज तो केवल बहुत सी पुरानी चीजें हैं जिनको नया जामा पहना करके हमारे सामने रखा गया है, लेकिन इस पैकेज से न तो गरीब के पेट में भोजन पहुंच रहा है और न गरीब के जेब में पैसा पहुंच रहा है। जब तक ये दो काम नहीं होंगे तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिर से हरकत में नहीं आएगी, और गरीब आदमी की जो इस समय जिंदा रहने की लड़ाई है वो लड़ाई भी शायद कामयाब बड़े पैमाने पर नहीं हो पाएगी। Thank you.